स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10th मैथमेटिक्स। ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, तो आप पहले उसको देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो बच्चों, आज का हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 213 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बात और, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, तो मैं पहले वो पढ़ देता हूं। तो कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो आपने 1 से 3 क्वेश्चंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई करना है, ठीक है ना? चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो, एक सर्कल है और एक टेंजेंट भी है। तो लेट सपोज मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं जिसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। ओके, ये सेंटर है सर्कल का। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यानी कि पॉइंट क्यू से, लेट सपोज कि ये अगर क्यू है, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ आपको बोली है 24 सेंटीमीटर है यहां से, ठीक है? ओके, आगे कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इसका डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर, चेक कर लो, ठीक है? ये बोला है, तो इट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है बेटा द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। तो आपने रेडियस बताने। तो बच्चे, सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी सर्कल की? बिल्कुल कहलाएगी जी। और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, चलो पी, लेट्स से पी। अच्छा एक बात आओ कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये बात सभी को कंफर्म है ना? तो अब ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें मेरे को हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट निकाल दूंगा, है ना? तो देखेंगे, अब तो बस हिंट लायक ही रह गया क्वेश्चन, इसमें क्या ही बताऊंगा। तो इन ट्राइंगल ओपीक्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि आर स्क्वायर, इसको आर कह दूं, ठीक है? और प्लस बेस, बेस यानी 24 का स्क्वायर। तो भैया इसका होता है 625 आर स्क्वायर प्लस इसका होता है 576, 576। इधर आएगा माइनस का, तो 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 15 में से 6 गए 9 और 1 यानी कि 11, 11 में से 7 गए 4, है ना? 7 4 11, और बस यही बचेगा 49। तो 49 दैट इज आर इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो प्लस माइनस ना लिखते क्योंकि रेडियस क्या है बेटा, एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भैया ओनली 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं और चेक करते हैं कौन सा आंसर है। तो बेटे ऑप्शन ए आंसर है, करेक्ट चॉइस। और आप ये पॉस्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन फिगर 10.11, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, कहता है कि इफ टीपी दैट इज दिस एंड टीपी एंड टीक्यू दैट इज दिस आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ये दोनों टेंजेंट है एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, और कहता है कि सो दैट एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल पीपीक्यू, एंगल पीपीक्यू दैट इज दिस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू व्हाट। अब आपने ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना है। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो बहुत आसान है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है ना? इजी तरीका बता रहा हूं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है भाई, देखो ना, चार साइड है, 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल है। और आप ये जानते हैं कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये दोनों टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है यानी कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का आपसे चौथा एंगल मांगा गया है। तो भैया चौथा एंगल निकालना कितना इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ना, क्या मजाक हो रहा है। तो अब देखो, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है? हिंट दे रहा हूं बेटा, इजी से क्वेश्चन है, मैं क्या ही कराऊं, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो एंगल पी इक्वल टू 90, रीजन क्या है बेटा, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है ना, एंगल ओ यानी कि ये पीओ क्यू कितना है 110 डिग्री, क्यू 90 डिग्री और टी आपको कैलकुलेट करना है, तो 360। और भैया ये आपका कितना हो गया, चेक कर लेते हैं। तो एंगल टी इक्वल टू 918 यानी कि 180 और 110, तो 0 8 9 290, तो 360 माइनस 290 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एंगल टी यानी कि 0 का 0 6, तो 16 में से 9 गया तो 7, हाँ, तो 70 डिग्री आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। तो भैया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट चॉइस होनी चाहिए, है ना? तो बच्चों वीडियो को पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फॉर्म अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी। तो लेट से ये पी ए और ये पी बी है ना, ओके,
ठीक है, तो इज द टेंजेंट्स ई एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो देन एंगल पी ओ ए बताइए। तो आपने पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो वैसे तो अभी इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है आपको, तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे इसको कि भाई ये 90 है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितने का आएगा, चेक कर लो, 100 डिग्री का आएगा ये पूरा एंगल, 100 का। क्यों 100 का आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना, क्योंकि 90 90 180 और 80 है, तो 360 में से माइनस करेंगे तीनों को, तो ये 100 डिग्री का आ जाएगा। अब ये वाला जो साइड होती है ना बेटा, जो मैं बता देता हूं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है तो ये जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट्स, तो सेंटर से जो लाइन आती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट यानी कि इक्वली डिवाइड करती है, इसी एंगल को नहीं साथ ही इसी एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी इंट्रोडक्शन में। तो बेटा अगर ये पूरा एंगल 100 का है तो जाहिर सी बात है ये आधा 50 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आया, तो रहने दो, ऐसे नहीं समझ में आया लेकिन आपने थ्योरम का यूज तो करनी पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि बताया कि ओपी बाइसेक्ट एंगल पी ए पी बी है ना, ए पी बी को बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि 40, तो ये भी 40। तो भैया अब आपको ये निकालना है ना, ये कितना है पूरा 90 है, क्यों, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर है। अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो देखो ना 90 है ये वाला प्लस ये वाला 40 और प्लस ये वाला एंगल जो आपने फाइंड करना है यानी कि पीओए, तो एंगल पीओए बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, 9 4 13 130, 130 हो गया ना ये, चेक कर लो, तो 180 माइनस 130 तो कितना आएगा, एंगल पीओए 85 तो आएगा, चेक कर लो, तो ऐसे भी 50 आएगा बेटा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसको कैलकुलेट करो, और इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो आई एम श्योर बच्चों ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है इसमें, मैं क्या ही करवाऊं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 214 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो देखिए फिर कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो बात को समझो, बात को समझो, कहता है कि पहले तो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक डायमीटर है। अब डायमीटर आप जानते हैं, लेट्स से ये एक डायमीटर ले लेते हैं, है ना, ये ए और ये बी, ओके। अब आई रिपीट, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है यानी कि ए और बी, इससे जो टेंजेंट्स बन रही है दैट इज दिस, है ना, और दैट इज दिस, लेट्स से, है ना, एल वन और एल टू मान लेते हैं इसकी टेंजेंट्स को, ठीक है, ओके। तो इसके लिए बोला गया है कि ये पैरेलल है बेटा, है ना, ये पैरेलल है। वैसे तो ये डेफिनेटली पैरेलल है, डेफिनेटली पैरेलल होंगे ही, जाहिर सी बात है जब हमने प्रूफ करना है कि पैरेलल है तो पैरेलल होंगे भी, लेकिन कैसे, देखो कैसे। वैसे तो ये वाली बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं कि डायमीटर के एंड्स पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट्स सी, ये वो है, ठीक है, सेंटर ओ। अच्छा एक बात आओ, इस ओ से जो सर्कल को टच करे उसको क्या कहेंगे, रेडियस, है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं ओए इज अ रेडियस, और OA अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। सिमिलरली OB इज द रेडियस एंड L2 इज द टेंजेंट, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि OB इज परपेंडिकुलर टू L2, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो भैया चेक कर लो, चेक कर लो, ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, है ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसमें खैर नोट करने जैसा तो कुछ है नहीं, बट मैंने समझा दिया है आपको, आप अपने हिसाब से इसको। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 214 पर है, तो क्या कहता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि इसने ये बोला कि जैसे कि ये सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये आपकी टेंजेंट है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होता है, इस बात को प्रूफ करो, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो इस बात को मुझे प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास हुआ है। तो भैया मैंने मान लिया कि आपको लेट्स से गिवन था कि ओ डैश एक अनदर पॉइंट है, ठीक है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज कि मैंने मान लिया कि भैया ओ डैश जो है वो एक अनदर पॉइंट है और वो इस पे परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है, देखो परपेंडिकुलर तो इसने बोला है ना, तो परपेंडिकुलर तो है ये। तो अगर ओ सेंटर ओ है तो ओ डैश ऑब्वियस सी बात है इसके दाएं बाएं रहा होगा कहीं पे, इसके नियर, है ना। तो अगर एक बात बताओ मेरे को, ये वाला ओ जो है
ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे को प्रूफ करना है, और ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर है, ये मेरे को गिवन है बात। तो एक बात बताओ छोटी सी, बेटा मैंने ये माना है कि ये मेरा सेंटर है और मैं ही जानता हूँ सेंटर जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है ना, ये बात कंफर्म है, और ये पहले से 90 डिग्री है। तो बेटा एक बात, और ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब ओ पॉइंट और ओ डैश पॉइंट कोइंसाइड यानी कि एक ही हो, तभी पॉसिबल है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि बेटा ओ डैश कुछ नहीं है, ओ डैश ओ ही है। तो इसका मतलब जो सेंटर पे परपेंडिकुलर था, मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर था, वो सेंटर से ही पास हो रहा था। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन क्या है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता तो मैंने आपको पहले से लिख के दिखा दिया है। इसमें कुछ था भी नहीं, इजी क्वेश्चन था, फिगर ये रही है आपके सामने, और यहाँ पे एक पॉइंट लेट से पी मान लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो लेट ए बी बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, मैंने ए बी को टेंजेंट माना है और सेंटर किसको माना है, ओ को, है ना, एंड पी बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पी को क्या माना, मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माना है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब डेफिनेटली बात है कि ओपी जो है वही तो परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास हुआ होगा, सीधी सी बात है, मेरे को ये बात प्रूफ करनी है। लेकिन लेट मैंने मान लिया कि O डैश P यानी कि O डैश कोई एक समवेयर पॉइंट है उसके आसपास, वो AB पे परपेंडिकुलर है, ये मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन है, तरीके से, है ना, ओके। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब O डैश PB एंगल जो बन रहा है, O डैश PB जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है ना। बट लाइन सेगमेंट OP, जो लाइन सेगमेंट OP है, चेक कर लो ये वाली, वो क्या है, रेडियस है, एंड वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और बट ये बात हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल OPB भी 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब OPB भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ना, OPB भी 90 का है और OS PB भी 90 का है, तो भैया ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। एक बात हो, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये है ना, और एक यहां पे कोई पॉइंट है, ये है, तो यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, लेकिन सेम हो सकते हैं अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होके एक ही पॉइंट होते तो, मानते हो? तो भैया मैंने यही बात लिखी, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों बोथ आर इक्वल। तो ये इक्वल कब होंगे? जब ओ डैश एंड ओ विल कोइंसाइड, जब ये कोइंसाइड कर जाए तब। तो दैट मींस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी विल पास थ्रू ओ, दैट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो भैया ये चीज कब पॉसिबल है? जब पॉसिबल है जब आपका परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास हो। तो आई एम श्योर बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, है ना। कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बात को समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समझने के बाद ही क्वेश्चन में क्या करना है बात का पता चलता है ना। देखो फिगर थोड़ी सी यार मैंने रफ करके दोबारा बना देता हूँ, कोई नहीं, टेढ़ी मेढ़ी लग गई है, पहले से बेटर है ना, ठीक है। तो ये सेंटर है और यहाँ पे कोई समवेयर पॉइंट है। अब देखो बात को समझते हैं, क्वेश्चन में कैसे बोला, कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि फ्रॉम अ पॉइंट ए, ए पॉइंट से, है ना, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आई रिपीट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है ना, ओके। अब आगे लिखा था द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस टेंजेंट की जो लेंथ आपको दी है वो 4 सेंटीमीटर की दी है। आई एम श्योर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की लेंथ के बारे में बात करी, और क्या बात करी कि इस पॉइंट से, जो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है उसकी टेंजेंट की लेंथ 4 है, कुछ इस तरीके से बोला है। तो आप इसकी रेडियस बताओ, मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर ना बता पाए, पाइथागोरस थ्योरम से यार, अब मैं क्या बताऊं इसमें, 5 का 25 भाई 4 का 16 माइनस हो जाएगा तो बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, तो 16 में से 9 गए तो 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, तो मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं मेरे बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन यार मेरे से करवाओगे क्या, तो इसको कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने इंट्रो में किया था। तो वो कहता है कि 2 concentric circles आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो भाई यार सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम रहता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो आप इन दोनों सर्कल को देख सकते हैं और इनका सेंटर आपको सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये रहा दोनों का सेंटर, है ना, ओके। तो पढ़ते हैं बेटा, इसने बोला कि 2 concentric circles हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 है। तो लेट सपोज इसकी ये वाले बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 मैंने ले ली, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने ये ले ली 3, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इस बात को आगे पढ़ते हैं, ठीक है, 5 और 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब आपने बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो चलो एक बना देते हैं। सॉरी थोड़ा सा यार टेढ़ा बन गया, आज पता नहीं क्या हो रहा है, फिगर भी सही से नहीं बन पा रही है। यानी कि ये वाली आपने कॉर्ड की लेंथ बतानी है। लेट्स सपोज ये ए, ये बी और ये पॉइंट मैं लेट्स से एम ले लेता हूं। तो यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब मैं क्या बताऊं। देखो हमने ही पढ़ा है कि भैया ये जो है इस कॉर्ड को भाई देखो ना, ये छोटे वाले सर्कल को देखो, पहले छोटे वाले सर्कल को देखो, ये क्या है रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो इस पर परपेंडिकुलर होगी पहली बार। अब बड़े वाले सर्कल को देखो, खाली बड़े वाले को, तो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है कॉर्ड, और कॉर्ड पे सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये बात हमने पढ़ी है। तो मतलब जितना यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा मानते हो। तो लेट्स से अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो अब मैंने एबी की लेंथ निकाल ली है, तो एक्स अगर मेरे पे एक्स है तो मैं उसका डबल कर दूं तो एबी निकल जाएगा। और एक्स निकालना बहुत आसान है, चेक कर लो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, चेक करेंगे 5 का स्क्वायर। देखो ना ओपी ओए का स्क्वायर, चलो लिखता भी रहता हूं, ओए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओएम का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि एम का स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का 25 माइनस 3 का 9 इधर आएगा, तो और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस की जगह हम खाली प्लस 4 लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर ये 4 है तो इट मीन्स AB कितना आ गया, AB क्या है बेटा ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स का दुगना है, तो 2 × 4 यानी कि AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन में कुछ था नहीं कराने के लिए, तो सिर्फ हिंट ही दे रहा था, तो प्रॉपरली आप इसको खुद से कर लेना, मैं आगे कराता हूं आपको। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर सेम 214 एनसीईआरटी है। तो कहता है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। देखो ये जो वर्ड है ना सर्कमस्क्राइब, ये आपको अब क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन में सुनने को मिलेगा। तो सर्कमस्क्राइब का मीनिंग मतलब आप समझोगे कवर, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को कवर कर रहा है, कहने का मतलब ये है ना। तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, सर्कल को। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जगह हो सकता है रोम्बस होता है, कि रोम्बस सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल, है ना, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब कहते हैं सी फिगर, फिगर ऑलरेडी गिवन थी तो मैंने डायरेक्ट बना दी है, प्रूफ दैट एबी प्लस सीडी। देखो इसमें आपने जो प्रूफ करना है वो है एबी प्लस सीडी यानी कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है AD प्लस BC यानी कि AD प्लस BC इसके। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखेंगे बेटा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन की, है ना। तो इन फिगर, तो फिगर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो आपको फिगर में एस सच कुछ खास तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आता है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू आर एस पॉइंट्स पे, है ना। तो चलो खैर ये बात लिखने की नहीं है, वो फिगर में दिख ही रही है, तो इन फिगर लिखिए काफी है, नफ़ है। तो टू प्रूफ लिखते हैं बेटा सीधा सीधा जो हमने प्रूफ करना है। तो भैया प्रूफ ये करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है बी सी प्लस ए डी के, तो ए डी प्लस बी सी या बी सी प्लस ए डी बात की है ना, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ देखते हैं। और भैया इसका प्रूफ बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या देखो एक बात, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं एक्सटर्नल पॉइंट से वो लेंथ में इक्वल होती है। तो अब ध्यान देना ये वाली बात इसमें अप्लाई हो भी रही है, है? देखो एपी और एएस दोनों ही पॉइंट ए से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है मानते हो, है ना। देखो ना भाई टेंजेंट ही तो है सर्कल को टच कर रही है, तो ठीक है। तो भैया एपी इक्वल होगा एएस के, मानते हो ये बात, रीजन मैं बाद में दे दूंगा, ये चलो लिख ही देता हूं। तो रीजन टेंजेंट फ्रॉम ए यानी कि ए से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, और सिमिलरली पी बी इक्वल टू बी क्यू होगा, है ना। तो भैया पी बी इक्वल टू बी क्यू, ओके। तो इसका रीजन टेंजेंट फ्रॉम बी, भाई बी सी तो है, पी बी इक्वल टू बी क्यू, है ना। और सिमिलरली सी क्यू इक्वल टू सी आर होगा, तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, भाई रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। और इसी प्रकार ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि डी आर इक्वल टू डी एस होगा, तो भैया टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, ये सारे रीजन हो गए। और इनको मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। और देखो ना अगर आप इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो आपका काम बन गया, जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा, है ना। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, तो देखते हैं बेटा। देखो एपी प्लस पी बी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड सारी आ गई, और राइट हैंड साइड ए एस
प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस, है ना। अब ध्यान देना, देखो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में ए बी और सी डी चाहिए, अब ये ए बी ये सी डी, तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को ए बी के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें चाहिए, तो ए बी के रिस्पेक्ट में ए पी और पी भी आता है, तो मैंने देखा ए पी और पी भी दोनों है, है ना। अच्छा सी डी के रिस्पेक्ट में सी आर और डी आर आता है, तो मैं देखता हूँ सी आर और डी आर है, डी आर तो है लेकिन सी आर नहीं है, तो इसको मेरे को हटा के सी आर बनाना है, तो देखो ना सी क्यू जो है वो सी आर के इक्वल भी था, तो मैं अगले स्टेप में इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सी आर लिख सकता हूँ, है ना, और डी आर है सी आर, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड में देखा कि एडी और बीसी चाहिए था मेरे को, तो भैया एडी और बीसी की जगह यानी कि बीसी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए मेरे पास, चेक कर लो बीसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए बीक्यू और सीक्यू, तो मैंने देखा बीक्यू और सीक्यू है, तो बीक्यू तो है लेकिन सीक्यू नहीं है, है ना, तो बीक्यू तो है लेकिन सीक्यू नहीं है, तो मैं देखता हूं कि सीक्यू मेरे को कैसे मिलेगा, तो सीक्यू मिलेगा सीआर की जगह से, तो सीआर की जगह पे मैंने सीक्यू लिख दिया, भाई लिख सकता हूं ना सीआर की जगह सीक्यू, ओके। और दूसरा मेरे को ये वाला साइड बनानी है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए एएस और डीएस, अब मैं देखता हूं एएस और डीएस है, तो एएस तो है ये रहा, चेक कर लो, और डीएस भी है भाई, डीएस भी है ये रहा, हो गया आपका काम, चेक कर लो, तो एपी और पीबी को जोड़ के क्या आ गया, एपी और पीबी को जोड़ के आ गया एबी, तो भैया ये बन गया एबी, और सीआर और डीआर को जोड़ के आ गया सीआर डीआर, आ गया सीडी इक्वल टू बीक्यू और सीक्यू को जोड़ के आया बीसी, चेक कर लो, और प्लस में एएस और डीएस को जोड़ के आया एडी, तो चेक करो आपको यही तो प्रूफ करना था, तो बस आपका काम हो गया, है ना, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था बच्चों, तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा,